एनी ऑफ द एस्पिरेंट्स वाइल स्टेइंग इन द पीजी, अगर आप अपना एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, यू बिकम एन आईएएस, बी इट इन वन ईयर, बी इट इन टू ईयर, बी इट फाइव ईयर्स, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटी. आपका फर्स्ट जे से लेके लास्ट जे तक वॉट एवर अमाउंट यू हैव डिपॉजिटेड टू अस, बी इट 10 लाख, बी इट 12 लाख, वॉट एवर एक्स अमाउंट इज, वो आपको रिफंड हो जाएगा पूरा का पूरा. एंड पूरा पैसे रिफंड हो जाएगा, पूरा का पूरा पैसा वापस मिल जाएगा. कोई छोटा फ्रिज, एसी, गीजर हर रूम के अंदर मिलता है, चाहे डबल शेयरिंग है, ट्रिपल शेयरिंग है, एक टेबल चेयर, आपका अलमीरा, जो भी एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को चाहिए होता है पढ़ने के लिए, वो सब रिक्वायर्ड होता है. सिंगल रूम के अंदर आपका 3 times मील, मॉर्निंग, इवनिंग, टी, वाईफाई, लॉन्ड्री, हाउसकीपिंग, आरओ, वाटर, वाटर बिल, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. है प्योर वेजिटेरियन नॉर्थ इंडियन मील आपके रेंट के अंदर इंक्लूडेड रहता है. तीनों टाइम का खाना या बफे में सर्व हो जाता है. आप यहाँ बैठ के भी खा सकते हैं, अपने रूम में भी लेके जा सकते हैं. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर. जैसे कि आप सभी को बताया कि पिछले 2-3 सालों से हम यहाँ पर दिल्ली में स्टूडेंट्स के लिए एकोमोडेशन के पर्पस में वीडियो बना रहा है, स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि दिल्ली में आपको जो UPSC एस्पिरेंट्स या फिर जो भी स्टूडेंट स्टडी करने के लिए आते हैं उनके लिए कहाँ पर मतलब एकोमोडेशन सही रहता है, कहाँ पर क्या रेंट में आपको कमरा कैसा मिल जाता है, कैसे पीजी हॉस्टल्स मिल जाते हैं. आज हम आए हैं एक गर्ल्स पीजी दिखाने और अभी हम एंट्री कर रहे हैं ऑफिस में और यहाँ पर हम मैडम से बात करेंगे, उसके बाद आप लोगों को यहाँ का जो है पीजी है वो हम दिखाएंगे. हेलो, हेलो मैम, कैसे? थैंक यू. ओके, तो मैम अभी हम आए थे ये आप लोगों का जो पीजी है ये रिव्यू करने के लिए. जी. तो कैसे क्या है थोड़ा सा बताइए पीजी का. मेरे पास अकोमोडेशन है गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए इन करोल बाग. सो दिस बिल्डिंग इज इन फॉर गर्ल्स पीजी. सो आई विल गिव यू अ क्विक टूर ऑफ द प्रॉपर्टी. व्हाट एग्जैक्टली, चलिए एक बार देख लेते हैं रूम्स कैसे हैं. तो चलिए गाइस अभी हम चल रहे हैं रूम्स देखने और आप लोगों को दिखाएंगे क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पर मिल रही है. और मैं आपको बता दूँ ये जो है करोल बाग मेट्रो के बिल्कुल नियरेस्ट है और जितने भी सारे IAS कोचिंग्स है सारी यहाँ पर नियरेस्ट आपको मिल जाएंगे. तो ये है मेन गेट. ऑन द एंट्रेंस वी हैव बायोमेट्रिक सिस्टम ऑन द गेट, सो विदाउट द फिंगरप्रिंट कोई भी अनऑथराइज पर्सन प्रॉपर्टी मेंटेन नहीं कर सकता. ओके, प्लीज ना. रूम्स, ऑल द रूम्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर आर सिंगल शेयरिंग. सब कुछ सिंगल शेयरिंग है. वी हैव कोट्स हियर ताकि स्टूडेंट्स मोटिवेटेड रहे. अच्छा, ये सारी देखिए मोटिवेशनल कोट्स है ताकि स्टूडेंट्स मोटिवेटेड रहे. वेरी गुड आइडिया. We'll start begin with the single sharing rooms. Okay. तो यहाँ पर सबसे पहले हम सिंगल रूम देखने वाले हैं. तो चलिए देखते हैं कितना स्पेस है और क्या क्या फैसिलिटीज हैं. ओके, जैसे कि आप देख रहे होंगे इस तरह का आपको यहाँ पर सिंगल अकुंसी मिलता है हर रूम के अंदर. बीटा सिंगल शेयरिंग, बीटा डबल शेयरिंग. आपको एक छोटा फ्रिज, एसी, गीजर हर रूम के अंदर मिलता है, चाहे डबल शेयरिंग है, ट्रिपल शेयरिंग है, एक टेबल चेयर, आपका अलमीरा, जो भी एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को चाहिए होता है पढ़ने के लिए, वो सब रिक्वायर्ड होता है. एक बार डबल शेयरिंग रूम का भी स्पेस देख लेते हैं. प्लीज कम. तो अभी हम डबल शेयरिंग रूम में एंट्री करने वाले हैं. Hi. तो जैसे कि आप देख रहे होंगे यही है डबल शेयरिंग रूम, इस तरह का आपको मिलेंगे. बाकी सारी चीजें मैम बताएंगे. दो बच्चों के लिए वी हैव 2 beds, अलमीराज, टेबल, चेयर एंड फ्रिज, एसी, गीजर. हर रूम में आपको विंडो मिलेगी वेंटिलेशन के लिए. तो यहाँ पर जो 2 स्टूडेंट रहते हैं दोनों का लॉकर या फिर जो कबर्ड या अलमीरा रहते हैं वो अलग सेपरेट है. दोनों के लिए टेबल अलग है, दोनों के लिए अलमीरा अलग है, फ्रिज दोनों के लिए कॉमन रहता है. बाकी अपना अपना स्पेस दोनों बच्चों को मिलता है. जैसे कि आप देख रहे होंगे ये पूरा रूम एकदम बिल्कुल डेकोरेटेड है, फुल बच्चों की डेकोरेशन है जो बच्चों ने अपनी तरह से किया है. फुल फर्निश्ड है, आप देख रहे होंगे एकदम कबोर्ड वगैरह, यहाँ पर चार टेबल, सारी चीजें इन लोगों को मिला हुआ है, है ना. और इसमें भी सेम फैसिलिटीज है सारे. हाँ, कुछ सेम ही होता है, वाईफाई, लॉन्ड्री, तो सभी रूम्स के लिए सेम फैसिलिटीज है. डिफरेंस सिर्फ साइज का हो जाता है, थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर का हो जाता है, बाकी सब चीजें. यस, अब हम डाइनिंग एरिया की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं. यस, चलिए एक बार डाइनिंग एरिया देख लेते हैं. डाइनिंग एरिया है. ओके, जहाँ पे आप खाना ले सकते हैं. प्योर वेजिटेरियन नॉर्थ इंडियन मील आपके रेंट के अंदर इंक्लूडेड रहता है. तीनों टाइम का खाना या बफे में सर्व हो जाता है. आप यहाँ बैठ के भी खा सकते हैं, अपने रूम में भी लेके जा सकते हैं. सेकेंड फ्लोर के अंदर हमारे पास लाइब्रेरी है. ओके, लाइब्रेरी भी इंक्लूड है. हाँ, इंक्लूडेड इन द रेंट. वेरी गुड. तो बच्चों को, लड़कियों के लिए स्पेशली रात को बाहर जाने की नीड नहीं है. हाँ, ये लाइब्रेरी का नीड होता है कि भाई कहीं और ना जाना पड़े, है ना. एंड स्पेशली जो डबल और ट्रिपल के स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि लाइब्रेरी इंक्लूडेड रहे. यस, तो ये वार्डन मैम है. हाँ, ये हमारे वार्डन है, ये पूरा दिन में सारा ध्यान रखते हैं. सेकेंड फ्लोर है लाइब्रेरी. ओके,
चलिए आप एक ट्रिपल शेयरिंग का स्पेस देख लेते हैं। चलिए, दिस इज अ ट्रिपल शेयरिंग का रूम विद अ वेरी गुड विंडो फ्रंट व्यू। अटैच बालकनी आप देख रहे होंगे, एकदम बढ़िया व्यू है। सामने पार्क भी है, खाली स्पेस है, पर्दा वर्दा एकदम बिल्कुल एकदम वन लगा हुआ है। यस, तो ट्रिपल शेयरिंग रूम है, उसमें भी ये नहीं है कि कंजस्टेड रूम्स हैं। आपको हर तीनों स्टूडेंट्स को अपना अपना इंडिविजुअल स्पेस मिलता है। आपको अपनी अलमीरा, आपके कबर्ड्स, आपके टेबल, सेटिंग टेबल, चेयर्स, हर चीज़ें। एंड सेम ट्रिपल शेयरिंग के होने के बावजूद भी छोटा फ्रिज आपके रूम के अंदर इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं है कि सिंगल रूम के अंदर इंक्लूडेड है, यहाँ पर वो हर इंक्लूडेड है। एंड ट्रिपल का मतलब इतना बड़ा रूम, देन टू वे वेंटिलेशन, आगे आपको काफ़ी अच्छा खासा व्यू भी मिल जाता है। अभी जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर रूम्स हमने दिखा दिए हैं, फिर स्टूडेंट से भी बातचीत की है, तो अभी जानते हैं कि यहाँ का लोकेशन क्या है और प्राइसेस क्या है, रेंज क्या है। तो मैम थोड़ा सा बताना चाहेंगे यहाँ के लोकेशन के बारे में और क्या रेंट है, मतलब रेंज क्या है। लोकेशन ये करोलबाग मेट्रो स्टेशन से 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पड़ता है। जब आप करोलबाग मेट्रो स्टेशन से आते हैं, जो दृष्टि तनिष के पास जो कोच क्लासरूम है, वहाँ से आपको 2 to 3 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस पड़ेगा। बाकी वाजीराम, विजन, इंश्योर, नेक्स्ट आईएएस, सब आपको 2 to 5 मिनट्स के डिस्टेंस पर ही मिलेंगे। उनमें ज़्यादा मेजर कोचिंग इंस्टीट्यूट है, नियरेस्ट है। येस, एंड इवन मार्केट एरिया भी, अजमल खान मार्केट जो है करोलबाग की सबसे ज़्यादा फेमस, दैट इज़ ऑल्सो वेरी नियर बाय ओनली। सो बच्चों को स्टेशनरी चाहिए, बीट मेडिकल फैसिलिटी, सब कुछ हार्डली 2 to 5 मिनट्स के डिस्टेंस। रूम्स का प्राइस क्या है, सिंगल का क्या, डबल का क्या, ट्रिपल का क्या? सिंगल शेयरिंग यहाँ पे मेरे पास स्टार्टिंग है फ्रॉम 20,000 रुपीज, जिसमें आपका तीनों टाइम का खाना, मॉर्निंग इवनिंग टी, वाईफाई, लॉन्ड्री, हाउसकीपिंग, आरओ वाटर, वाटर बिल एंड योर लाइब्रेरी ऑल्सो, एवरीथिंग इज इंक्लूसिव। एंड जो डबल शेयरिंग है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 16,000 रुपीज, गोज अप टू 24,000 रुपीज डिपेंडिंग अपॉन द रूम। ट्रिपल शेयरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 15,000 रुपीज, गोज अप टू 17,000। ऊपर टेरिस एरिया है, बच्चों को अगर वॉक करना है टेरिस एक्सेस रहता है। किचन ऊपर ही है, तो बच्चे अगर कभी कोई बीमार है, अगर कुछ किसी को खिचड़ी का है, दलिया का है, वो फैसिलिटी भी रहती है। इवन फॉर मेडिकल फैसिलिटीज ऑल्सो, इवन एट एट नाइट, अगर लेट नाइट में भी कभी भगवान ना करी इसको जरूरत पड़े, सो मेरे को हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगते हैं। आई लिव नियर बाय ओनली, सो 10 to 15 मिनट्स में आई रीच हियर टू पीजी। Another major policy that we have in our PG. So let's suppose any of the aspirants while staying in the PG, अगर आप अपना exam clear कर लेते हैं, you become an IAS, be it in 1 year, be it in 2 year, be it 5 years, depending upon your capability. Okay. आपका first day से लेके last day तक, whatever amount you have deposited to us, be it 10 lakh, be it 12 lakh, whatever X amount is, वो आपको refund हो जाएगा, पूरा का पूरा। And पूरा का पूरा पैसे रिफंड हो जाएगा, पूरा का पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। ये आपकी अपनी कैपेबिलिटी पे है कि आप कितना वो करते हो, एंड स्पेशली गर्ल्स के लिए है, मतलब क्योंकि मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि काफ़ी पेरेंट्स हैं जो अब बजट के आगे आ रहे हैं, अपने बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, स्पेशली लड़कियों को एम्पावर कर रहे हैं उनका। हाँ, जितने पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, उनका फर्स्ट प्राइमरी गोल ये होता है कि मेरे बच्चे को फैसिलिटी मिलनी चाहिए, मेरे बच्चे को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अगर पेरेंट्स इतना कर रहे हैं, तो बच्चे इन रिटर्न अपने पेरेंट्स को गिव बैक कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है कि आप अपने एग्ज़ाम क्लियर कीजिए, आप पूरे के पूरे पैसे वापस ले जाइए। राइट, तो ये तो चलिए मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये जो है लड़कियों के लिए बहुत बड़ा मौका है कि आप यहाँ पर इस पीजी को आप अगर ज्वाइन करेंगे और उसके बाद अगर आप आईएएस या फिर आईपीएस, मतलब आपका अगर फाइनल लिस्ट में नाम आ जाए, तो आपके पूरी की पूरी पैसे जो है वापस हो जाएंगी। ठीक है, ऐसा हमने किसी भी पीजी में नहीं देखा है। तो आप भी अगर यहाँ पर आते हो, आप यहाँ पर विजिट कर सकते हो, स्क्रीन के दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हो।